इस बीच आखिरी चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी के व्हीलचेयर पर चलने पर सियासत गर्मा गई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपनी एक चुनावी सभा में यह मुद्दा उठाया और तेजस्वी के व्हीलचेयर पर चलने का कनेक्शन उनके हेलीकॉप्टर में मछली खाने से जोड़ दिया। तो मछली खा रहा हेलीकॉप्टर, आप बताइए नवरात्र में मछली खाया ऐसा शरीर में घुसा कि बेचारा व्हीलचेयर पे चल रहा। सम्राट चौधरी यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने तेजस्वी के व्हीलचेयर पर चलने को भगवान का श्राप तक बता दिया। 34 वर्ष का नौजवान व्हीलचेयर पे चलता है कोई, ये भगवान का श्राप है साथियों। तेजस्वी यादव की कमर में दर्द पहली बार उनकी अररिया की रैली में दिखा था। इसके बाद वो कई रैलियों में व्हीलचेयर पर नजर आए थे। एक रैली में उन्होंने अपनी कमर पर बंधी बेल्ट भी दिखाई थी। इससे पहले उन्होंने पटना में MRI स्कैन भी करवाया था, उसकी भी तस्वीरें आई थी। लेकिन MRI स्कैन के अगले ही दिन तेजस्वी ने फिर से चुनाव प्रचार किया और इस दौरान वो कमर दर्द से परेशान दिखे थे और कई रैलियों में बॉडीगार्ड के सहारे चलते या फिर मंच पर व्हीलचेयर से चलते दिखे थे। और सम्राट चौधरी ने अपनी रैली में उन्हीं तस्वीरों का जिक्र किया और बातों बातों में बोल दिया कि मछली का कांटा तेजस्वी के पेट में फंस गया। ये मछली जाकर कटवा जो है ना पेट में अटक गया, समझ गया ना। यानी आखिरी चरण के मतदान से पहले तेजस्वी के मछली खाने के वीडियो का मुद्दा फिर उड़ गया और इसी बहाने सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के व्हीलचेयर पर चलने का भी जिक्र छेड़ दिया और एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। जबकि तेजस्वी यादव ने ये वीडियो शेयर करते समय बता दिया था कि उन्होंने नवरात्र में मछली नहीं खाई थी और नवरात्र में केवल मछली खाने का वीडियो शेयर किया था। लेकिन बीजेपी ने इस पर RJD को लगातार घेरा और आखिरी चरण के मतदान से पहले एक बार फिर ये मुद्दा गर्म हो गया।